नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते मेरे चैनल में। और जिस चैनल में बता सके चैनल में जो बच्चे हैं ये रो रहा था। मैं बोलूँगा करके। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल ऑटिज्म एंड मॉम पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरे दो बच्चे हैं सात्विक और श्लोक। सात्विक 5 साल का है, उसे ऑटिज़म है और उसकी थेरेपी मैं घर पर ही कर रही हूँ। और दिनों तो मैं रोज़ दिन में कर लेती हूँ। आप मेरे घर की हालत देख सकते हैं, काम चल रहा है, मतलब काम क्या चल रहा है, सफाई चल रही है, दिवाली की सफाई चल रही है ना, तो सब तितर बितर हो रखा है। तो मुझे टाइम ही नहीं मिला थेरेपी करने का। अभी निकाला है मैंने टाइम और ये अभी रात का टाइम है। मुझे पता है ये अभी सो जाएगा, लेकिन थेरेपी करनी ज़रूरी है। इससे पहले कि वो सो जाए थेरेपी मैं कर लेती हूँ। तो अभी मैं स्टार्ट करूँगी ये वाली थेरेपी से, बैठने वाली थेरेपी कर लेते हैं पहले। रुक जा बाबू, रुक जा, वेट। देख रही होंगी सारा सामान ऐसे तितर बितर निकला है, सारे पिल्लो के कवर निकले हुए हैं। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये रो रहा था अभी श्लोक। राजना राजना नोजिस नोजिस। अच्छा, पीवो है आपके पास? हैंकी है, बेलून। अच्छा अच्छा, टिशू। अच्छा अच्छा, टिशू। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी हम लोग मार्केट भी गए थे, धनतेरस था ना, तो मार्केट भी गए थे। तो मार्केट से थोड़ा एक दो बर्तन खरीद के आए थे जो ज़रूरत थी। थकान लग गई बहुत ज़्यादा, और आज सुबह से सफाई करने में थी, जाले वाले निकालने में थी। हाँ, चिकन खाने को आए थे वो अंकल का था। हाँ, चिकन के क्या था टाइम का बाद फिर मैंने पकड़ लिया। अच्छा बाबा, में अभी ये भी सो जाएगा जल्दी। फिर भी करते करते मुझे पता है ये सो जाएगा। आज ज़्यादा देर की थेरेपी हो नहीं पाएगी, आधा घंटा पौन घंटा ऐसी थेरेपी हो पाएगी, क्योंकि मेरा शरीर भी काम नहीं कर पा रहा है, मेरे हाथ नहीं लग रहे हैं। ये सुबह से काम करने में थे, सुबह जल्दी उठ गए थे और सुबह से मैं सफाई करने में लगी हुई, अभी भी सफाई नहीं हुई। अब जितनी भी सफाई हो रही है ना, अब कल सब सेट करना है। और हम लोग यहाँ पर सो रहे थे बढ़िया तरीके से। अब यही सोचा था क्योंकि यहाँ ये कमरा थोड़ा छोटा है ना, और सामान भी ज़्यादा है इसमें, तो यहाँ पर गर्म होता है। तो आज सुबह क्या देखा, बिच्छू आया हुआ था घर में, बिच्छू। अब बहुत डर लग गई थी फिर तो। और ये क्या है, तो अजीब सा दिख रहा था वो, तो पीछे पीछे भागता है फिर। अभी नहीं अभी नहीं, अभी करेंगे, रुक जाओ, वेट करो। मैं नहीं कर रही थेरेपी, ठीक है जा रही हूँ, रख दो इसे, रख दो सारी थेरेपी, रख दो, वेट करो फिर। हाँ, ट्रेन आ गई। जो बिच्छू है वो दिखता अजीब सा है, तो ये उसको पकड़ने के लिए जा रहा था, तो मारा फिर उसे, मारा क्योंकि वो पीछे जो वो डंक जो पीछे वाले भी पूछ से मारता ना, वो हिलाने में लगा हुआ था और पता नहीं फिर काट देता था। हाँ, अच्छा ऐसे। अच्छा,
फिर अब डर लग रही है यहाँ पर बैठने में, मतलब सोने में रात में अगर कोई आ गया। एक तो हम लोग क्या है ना ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं, और वैसे ऐसी तो कोई दिक्कत होती नहीं थी, पता नहीं आज कैसे आ गया। दिख गया बाथरूम से आया था इसने, देखा वो भी इसने बताया मुझे, किचन में आकर के देखा है, माँ इधर आओ जल्दी कुछ है करके इसने बताया। कहाँ देखा हुआ है, आज ही स्टेयर कर रहा है वो टेढ़ी आँखों वाला है ना, वो स्टेयर कर रहा है। यहाँ देखो, यहाँ देखो आईज, 1 2 3 4 करने है। रुक जा पहले ये तो कर लें, बाद में ये रख दो अभी। दाल वाली थेरेपी करनी है, बोलो दाल रहने दो अभी। दाल वाली थेरेपी करनी है। रुक जा पहले ये करो, जल्दी जल्दी डालो। मैं सोच रही थी आज ये वाली नहीं कराऊंगी, दाल वाली क्या है ये, लेकिन अभी ये कह रहा है तो करनी पड़ रही है। मैं सोच रही थी मेन वाली करा दूंगी, जैसे स्पीच, ब्रैकेट रैपिड, जिम बॉल और जॉइंट कॉम्प्रेशन। इसमें तो टाइम ज़्यादा लगता है ना, और बैठे बैठे मुझे नींद भी आ रही है। कर रहा है तो करने दो। आप बिंदी कहाँ पे लगाते हो? यहाँ पे। यहाँ से बिकल क्या है? बिकल गई बिंदी। हाँ? बिंदी नहीं है? नहीं है, बिकल गया ऐसे वाटरमैन बन गया। वाटरमैलन बन गई बिंदी मेरी। अच्छा। वाटरमैलन कौन खाएगा? कौन खाएगा बोलते हैं? वाटरमैलन है। अच्छे से बोलो। वाटरमैलन खाएगा? खाना है। चना भी डालो, बड़ी डालो है? चना। आपको नींद आती है? हाँ बापू, आप तो सो जाओ। अभी सोऊंगी बाबू, थेरेपी कर लूँ पहले दादा की। बाबू आज थेरेपी कहाँ हुई है दादा की? दादा की वैसे भी हाइपर एक्टिविटी कितनी बड़ी हुई है। खांसते कैसे? करो जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। भट डालो, भट डालो, फिर मूंग की दाल डालो, फिर फिनिश। क्या हुआ, गिर गया? क्या हुआ? गिर गया। उसको ना कभी जो आप सवाल का जवाब चाहते हैं ना, कभी कभी उसको पहले बोलना पड़ता है, जवाब को पहले बोलना पड़ता है, फिर सवाल पूछो, फिर वो जवाब देगा। स्पून नहीं है, इसलिए चला था, स्पून नहीं था। जैसे मैं इससे पूछना चाह रही हूँ क्या हुआ, और मैं ये जवाब चाहती हूँ कि वो बोले कि गिर गया, तो मैं पूछूँगी क्या हुआ, गिर गया? बोलेगा गिर गया। मैं पूछू, फिर से पूछूँगी क्या हुआ, क्या हुआ, गिर गया? क्या हुआ? गिर गया। तो ऐसे जब भी गिर जाए तो आप ये बोल सकते हैं। वीडियो बाय बाय, तब तक के लिए बाय बाय। मामा से जाओ, मूंग की दाल डालो जल्दी, फिर उसके बाद खत्म। खत्म क्यों, अभी तो है। उसके बाद मूंग की दाल खत्म। मूंग की दाल खत्म।
मूंग की दाल बहुत छोटी है तो पकड़ने में ना थोड़ा लगेगा जोर, छोटी छोटी पकड़ने में थोड़ा लगता है ना, फाइन मोटर की एक्सरसाइज होती है। मूंग की दाल डालो जल्दी। अम्मा पापा ने जाओ, आप नीनू कर दो बाबू, जाओ पापा के साथ। अम्मा पापा स्टोरी सुनाएंगे, जाओ स्टमक, जाओ पापा स्टोरी सुनाओ। वेस्ट स्टमक, स्टमक वेस्ट, वेस्ट हिप, हिप थाई, थाई सो गए हैं। चल कोई बात नहीं, वो आप साइड हो जाओ ना बाबू, सामने से हट जाओ। हाँ। बाबू बाबू हट जाओ, बाबू बैठ जाओ। मूंग की दाल, मूंग की दाल, मूंग की दाल, मूंग की दाल। जल्दी डालो जल्दी, चलो हो गया। अब आई कॉन्टेक्ट वाला करेंगे, कुछ दिनों के लिए हटाना पड़ेगा यहाँ से। फोकस वाली दूसरी लानी पड़ेगी। अगर ये वीडियो स्टार्ट हो गया, अगर वीडियो स्टार्ट चलो हो गया, हो गया सब सब कर दिया। आराम से फिंगर से, फिंगर फिंगर से पकड़ो। हाँ हाँ फिंगर से पकड़ना, फिंगर से पकड़ो, फिंगर से पकड़ो। मैं भी करता हूँ पेन, पेन फिंगर से पकड़ना, फिंगर से पेन। हाँ मैं रास माता, वो मैंने डालते हैं, गंदा है वो सब, गंदा है। ला रुक जा, वेट ऐसे निकाला, रास मा बना, वेट और रास मा हे यहीं पर बैठो। अब इधर आओ, अब आप साइड हो जाओ, आप बिल्कुल साइड हो जाओ। मैं थेरेपी कर रही हूँ आपको, तो आपकी तो नीनू पूरी हो रखी है, आप दिन में सोए हो। दादा को भी नीनू आ रही है, मुझे भी नीनू आ रही है। वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी वन 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, ऐसा करो। 1, 1, 2, 3, 4 यहाँ देखो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 34, 35, 36, 37, 38, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44,
45, यहाँ देखो, यहाँ देखो 47, 48, यहाँ 48, 49, 50, वेरी गुड। अब हम करेंगे इमिटेशन, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। ऐसा करो, बोलो का, का, माँ, माँ, यहाँ देख के, माँ, पा, पा, चा, चा, बाबू आगे से हट जाओ, बाबू दादा नहीं दिख रहा, आप आगे से हट जाओ, कितने बार बोलूँ मैं, चा, चा, टा, टा, ला, ला, वा, वा। वहाँ लाइट जली हुई है ना, वहाँ देखा हुआ है, थोड़ा डायरेक्शन चेंज करते हैं, आज लाइट भी लगाई ना, इसलिए आप यहाँ पर बैठो। मैं कह रही हूँ कहाँ देख रहे हैं, वहाँ लाइट लगी हुई है, इधर देखो, मुँह में पिट्टी करती मैं। वा, वा, शा, शा, हा, हा, ना, ना, त्रा, त्रा, वा, ला, ला, बोलो काका, काका, मामा, मामा, चाचा, चाचा, टाटा, टाटा, दादा, दादा, वावा, वावा, हा हा, हा हा, यहाँ देखो, हा हा, यहाँ देखो, हा हा, बोलो पापा आओ, पापा आओ, रोटी खाओ, रोटी खाओ, माँ आओ, आओ, दूध दो, भाई आओ, घुमा चलो, भाई आओ, भाई आओ, घुमा चलो, घुमा चलो, मेरे साथ खेलो, सात्विक आओ, सात्विक आओ, नीनू करो, थेरेपी करो, थेरेपी करो, सात्विक आओ, थेरेपी करो, सात्विक आओ, सात्विक आओ, थेरेपी करो, करो। टू वर्ड्स के बाद अब अगर आपको थ्री सेंटेंस में जाना है तो इस चीज़ की आप प्रैक्टिस कराइएगा। थ्री सेंटेंस मतलब थ्री वर्ड्स सेंटेंस अगर बनाने हैं तो आप इस चीज़ की आप प्रैक्टिस कराइएगा। कौन जी? अभी अभी पहले चलो मत करो, पहले हाँ हैंड्स फोल्ड करो, इसे यहाँ रखो, हैंड फोल्ड करो, फोल्ड योर हैंड्स। करो
इसमें जो है ना आप आ का स्वर देना होता है, ई का और ए का और ओ का। बाकी मैं पूरा इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि इसे अवा को अवा भी आ जाए अच्छे से, इसलिए मैं कराती हूँ। अब इसके बाद आप थ्री लेटर थ्री वर्ड्स यूज कर सकते हैं, ठीक है? थ्री वर्ड्स आप सेंटेंस आप बना सकते हैं इसके बाद से, क्योंकि ना हम इसमें क्या होता है ना कि ना आप एक सांस रोकने की प्रैक्टिस होती है और हम कुछ भी बात करते हैं तो हमारी सांस उस समय रुकी रहती है ना, उतनी देर एक सांस में बोलते ताकि एक सांस में बच्चा एक अच्छी सी लंबी लाइन बोल सके। क नहीं बोलते, क नहीं बोलते, ठीक है? हाँ, तो ये तो होगी का हो गया, का हो गया, हो गया, ये हटाओ, ब ब म य जिम्बल वाली करते हैं हम, उठ ये पीछे पीछे क्या है ये गंदी बात? छी, मैंने कहा था ना मत डालना, गंदी चीज है वो, उसमें क्या क्या कहाँ कहाँ गिरा रहता है वो। बाबू हाथ नीचे, हाथ नीचे करो, पूरा कॉकस ने सुना दिया है। एक बार कोई चीज़ अगर शुरू हो गई तो ख़त्म करनी ज़रूरी होती है इसमें। अब दिवाली के बाद अब ऐसा कोई त्यौहार नहीं है कि जिसके लिए कोई तैयारी करनी पड़े, तो आराम से थेरेपी होगी और कमरा पता नहीं शिफ्ट करने का पता नहीं कब है, कब हाँ लगाएंगे अभी बाबू। मैं अब बैंडेज लेके आऊँगी ना, बैंडेज लगा दूँगी कल, ठीक है? बैंडेज लेके आऊँगी दूसरा, कौन सा? दूसरा ब्राउन कलर का, नीचे हाथ नीचे करो। ब्राउन कलर का लेके आओ, टर्न करो, टर्न। अरे मेरे बिल्कुल ताकत नहीं आ रही, मेरे हाथों में भी दर्द हो रही है। अब बाबू टर्न करो, ये वायर वायर नीचे देखो, छोड़ छोड़। अब करो ऊपर, खड़े हो जा, अब करो। बहुत 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 ज़्यादा थकान हो रखी है, कुआं मत डालो बाबू, फट जाएगा फिर फूलेगा भी नहीं। अभी नहीं, अभी देखा आपने पूरा मुंह में डाल रखा है, मैं फू करूंगी उसमें, गंदा हो गया पूरा वो, गंदी बात है, बाद में करूंगी वॉश करके ना, फिर करूँगी। नहीं अभी वॉश करके अभी करूंगी नहीं, अभी मैं थेरेपी कर रही हूँ, ठीक है? आप करो, हाँ इसकी प्रैक्टिस करो, आपकी वॉइस भी क्लियर होगी। आप ये वाली प्रैक्टिस करो ना थोड़ी, टंग टंग की एक्सरसाइज करो, चलो टंग की एक्सरसाइज बताइए ना मैंने आपको, हाँ करो फिर।
जोर से, जोर से लेके आओ बिल्कुल। करते रहो। करो करो करो, शाबाश करो। मेरे को बिल्कुल ताकत नहीं आ रही है आज, आज बहुत ज़्यादा थकान लग गई है। मेरे पैरों में भी दर्द हो रही है, सर में भी दर्द हो रही है। करो करो, करते रहो, करो करो करो। मैं तो पिट्टी करती हूँ, अभी थेरेपी करने के बाद पिट्टी करूँगी, ठीक है। करो ऐसा करो। सात्विक आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? थेरेपी कर रहा हूँ। क्या करो? क्या करो? लाफिंग लाफिंग करो। क्या करो? अब हाथ हटा दो, हाथ से जोर लगा रहा है। शाबाश, गंदा बच्चा, बैड बॉय, बैड बॉय हो आप। हाथ ऊपर करो, मत करो, हाथ ऊपर करो। वेरी गुड। हाँ करो करो, प्रैक्टिस करो। हाँ जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी वॉइस क्लियर होगी। चलो उठो, उठ जा बाबू। अब ब्लैंकेट रैपिंग करते हैं, फिर जॉइंट कॉम्प्रेशन करते हैं फटाफट, फिर नीनू करते हैं। मेरे को बहुत दर्द हो रही है पैरों में। रुक जा बाबू, वायर अच्छा बाबू इधर पर आओ, यहाँ पर आओ। छत में परसों जाएंगे, बाबू आप हट जाओ, बाबू सामने से हट जाओ। बैंक के ट्रैपिंग थेरेपी, मेरे ना बोलने की भी ताकत नहीं आ रही है आज। आप जाओ फिर, आप नीनू करो जाओ, नीनू करो जाओ, पापा के साथ जाओ। यही भी बैठा रहता है वहाँ, पापा सोए हैं, पापा के साथ भी नहीं जा रहे हैं। आधा घंटा हुआ है, इससे ज़्यादा थेरेपी हो भी नहीं पाएगी यहाँ। आज तो ऐसा लग रहा है कुछ किया ही नहीं है मैंने, फटाफट फटाफट जल्दीबाजी में कर दिया। लेकिन ना कुछ ना सही से ना कुछ ना कुछ तो करना ही है। एक ना रूटीन बना रहता है, एक डिसिप्लिन बना रहता है कि हाँ करना ही है, तो अच्छा लगता है कि हाँ, मतलब ऐसा नहीं लगता है कि यार आज थेरेपी नहीं करी बच्चे की, ऐसा नहीं लगता ऐसे। कल कल की
कल की कोशिश रहेगी कि सुबह सुबह जल्दी कर दूँ ताकि ताकत भी रहे और थेरेपी भी अच्छी हो। टर्न करो। मैंने वॉश कर दिया। हाँ ठीक है ठीक है, ये पैजामा पर करो। पैजामे बड़े हो गए ना तुम्हारे, पैरों में आ रहे हैं। पापा बात कर रहा, बात कर रहा भाई, मेरे बिल्कुल अभी मजाक करने का मूड नहीं है। ऐसे करने आगे, ऐसे करने आगे मेरे को। ठीक है ठीक है, जैसे आप बोल रहे थे बात। ये भी सोने वाला हो रहा है, अभी इतने ही करते हैं, इतनी देर जॉइंट कॉम्प्रेशन करते हैं। लेटे रहो बाबू, लेटे रहो, इधर आ जाओ बाबू, यहाँ पर लेट जाओ, लेट जाओ। राम बोलो, राम साहब बोलते हैं बाबू, आप नहीं बोलते हैं राम, आप लाम बोलते हैं। राम लाम नहीं, राम राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज तो मेरा घर बहुत ही बेकार हो रखा है, खैर सफाई हो रही थी। और ये करते करते ना जॉइंट कॉम्प्रेशन करते करते ये सो भी जाएगा, देखना आप। नहीं सो जाएगा, आपसे थोड़ा कह रही हूँ, आपको तो अले, करो तो। हाँ और चीज़ें ऐसे फेंकोगे ना तो ऐसे ही होगा, फिर चीज़ें जो फेंकते रहते हो ना उठाते नहीं हो, फिर इसलिए बोलती रहती हो जो चीज़ खेल लिया है वो उठा लो उठा लो। दर्द हो जाती है, एक ही पोजिशन में अगर बैठे रहो ना दर्द हो जाती है, अगर मैं घुटने मोड़ के बैठे रहूं तब भी दर्द होगी, पैर अगर सीधा करके रहूं तब भी दर्द होगी, तो मुझे ना चेंज करते रहनी पड़ती है। बाबू दद्दा सो रहा है, आप हल्ला मत करो। अब ट्वेंटी ट्वेंटी करते हैं, थर्टी नहीं कर पाऊंगी। हल्ला नहीं बोला ना, आप चुप रहो, कुछ मत बोलो। पैजामा ऊपर करो तो बाबू, पैरों में आ रहा हूँ, बिल्कुल बड़ा नहीं है पैजामा। बाबू आप यहाँ पर बैठ जाओ, माया देखो बाबू, हल्ला नहीं करो।
दादा दिन में सोया नहीं है, दादा थका हुआ है, दादा को सोने दो। पिछले साल तक तो ये पटाखों से बहुत डरता था, पता नहीं इस साल क्या होगा। कोई भी पटाखे फूटता था ना तो ये देखता ही नहीं था। इस साल भी मुझे लगता है कि डरेगा ही है। हमारा कमरा ऐसा है ना कि अगर पंखा चलाओ तो ठंडा लग रहा है, पंखा नहीं चलाओ तो दम घुट रहा है। पंखा चलाने में थोड़ा अच्छा सा लग रहा है। ये तो बस नींद में ही है अपनी, ऑलमोस्ट नींद में। माँ आपसे प्यार करती है। अगर ना ये जो ऑलमोस्ट नींद वाली जो टाइम है ना, इसके कान में ना पॉजिटिव पॉजिटिव बातें बोलो ना, ऐसी लाइनें बोलो जिसमें नो का यूज़ नहीं होता है ना, ऐसा नहीं करते हो, वैसा नहीं करते, ऐसे लाइन नहीं बोलनी। अच्छी अच्छी लाइन बोलो ना तो इनके ना अनकॉन्शियस माइंड में जाती है वो बातें, तो वो चीज़ बोला करो। जैसे अभी अभी ऑलमोस्ट नींद में, ऑलमोस्ट नींद मतलब अभी आँखें खुली हैं, जब आँखें बंद हो जाएंगी ना तब बोलना, तब देखना मैं क्या बोलती हूँ। कि मुझे बोलते रहना पड़ेगा वरना, क्योंकि अगर मैं चुप रही और उस समय बोली तो फिर आंखें खोल देगा ये। वरना बिल्कुल हल्की आवाज में बोलना पड़ता है। श्लोकी सात्विक, सात्विक माँ आपसे बहुत प्यार करती है। माँ आपसे प्यार करती है, पापा आपसे प्यार करते हैं, भाई आपसे प्यार करता है, आप भी माँ से प्यार करते हो। सात्विक भाई से प्यार करता है, सात्विक पापा से प्यार करता है, सात्विक सबके साथ खेलता है, सात्विक के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, सात्विक स्कूल में चुपचाप बैठता है, सात्विक मैम को भी अच्छा मानता है, सात्विक के और सात्विक और बच्चों के साथ भी खेलता है। अभी सो गए, उस समय इसकी नींद थी, उस समय इसकी कच्ची नींद थी जी। उसने हाँ भी बोल दिया था, सात्विक कहने में हाँ भी बोल दिया था, आंखें बंद थी इसकी लेकिन हाँ बोल दिया था इसने। अब ये पूरी नींद में है। ऐसे ही जब भी आप अपने बच्चे को सुलाते हो ना, जब ये ऑलमोस्ट नींद वाला टाइम होता है ना, इसके कान में आप पॉजिटिव पॉजिटिव बातें बोलो और रोज़ बोलो। और ना मतलब मुझे एक थेरेपिस्ट ने बताया था, चेन्नई की एक थेरेपिस्ट ने जो इनके स्कूल की स्कूल में रहती थी थेरेपिस्ट, उसी ने मुझे ये बात बताई थी। अगर आप बोलोगे ना उसके कान में अच्छी अच्छी बातें तो उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। जो हमारी सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस कह रही थी ना, सबकॉन्शियस माइंड जो होता है उसमें चले जाता है, और जो हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें होती है ना वो कभी नहीं भूलते हैं हम लोग। जैसे हमारी जो लैंग्वेज है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की, सबकॉन्शियस माइंड की तो है जो हम कभी नहीं भूल सकते। चले चाहे हमारी याददाश्त चली जाए लेकिन हम ये नहीं चीज़ नहीं बोलते कि हम लैंग्वेज कौन सी यूज़ कर रहे हैं, सिंपल भाषा में यूज़ करेंगे। चलो मैं तो, मुझे तो ऐसा नशा जैसा हो रहा है ना, मैं क्या बोल रही हूँ मुझे खुद पता नहीं हो रहा है, मेरी लाइनें सही पता नहीं सही हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है, नींद आ रही है मुझे भयंकर।
बहुत ज़्यादा थकान लग गई है, तो अभी आज की थेरेपी अभी 40 मिनट की भी नहीं है। मैं तो सोच रही थी एटलीस्ट 45 मिनट की तो होगी, तो कोई बात नहीं अभी। लेकिन ये मलाल नहीं रहा ना कि उसकी थेरेपी नहीं हुई है, थेरेपी हो गई है, सारी कर दी है मैंने, भले कम 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 की लेकिन सारी कर दी है। तो कोई बात नहीं, अब मिलते हैं कल की वीडियो में, ठीक है। और तब तक आप लोग भी करते रहिएगा, अगर जैसे अगर आप कहीं जाते हैं, किसी के घर जाते हैं, तो आप इस टाइप की थेरेपी, इतनी देर की थेरेपी कर सकते हैं। ज़्यादा देर अगर नहीं लगाना चाहे तो आधे घंटे की थेरेपी इस तरीके से आप कर सकते हैं, है ना। तो मिलते हैं फिर कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।